पानी आ गया, मजा आ गया। पिया सियालन क्या भाई होना चाहिए? हाँ, तो ऐसा होना चाहिए ताकि एक मजरा पर सारे हिम्मत को जनता को हिला दिया और मेरा कलेजा को ठंडा कर दिया। सेनापति पूछो इस पूजा भारती से और इस चांदनी से, इसका रात की मुजरा का पैसा कितना हुआ? अरे पूजा भाई आजी, रात भर को मुजरा के कितना पैसा बन गया? 60,000। 60,000? हाँ। 80,000 ना बोलिए, 10,000 हमको भी हो जाएगा, अच्छा होगा। बोलो अस्सी हजार पूजा भारती को डांस पर हम बहुत प्रसन्न है और जितना मेरा इस हिम्मत का जनता है वो सब खुश है। पूजा भारती को हमारे तरफ से 1,00,000 रुपया को इनाम मिला जाए। 1,00,000 रुपया कल तुम्हारा 8 बजे हम लोग लगा देंगे। 8 बजे? 10 बजे। पूजा भारती, तुमको बाप दादा कभी बैंक में पैसा नहीं लगाया है क्या? 10 बजे खुलता है बैंक। इन्हें पैसा तो तुम्हारी बैंक की अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन हम अपने तरफ से तुम्हें देना क्या चाहता हूँ, क्या देना? लेकर जाना के गोर में पायल, के घर में हसुईया, नाका में लथिया देते शकुनी हसनापुर में दुर्योधन और
अर्जुन ने झंझट लगा दिया और पूरे महाभारत रच दिया। इसी ढंग से मामा माही आज नाती श्या नंदन को बंगले पर जा रहा है। चलता है महिला चल रहे हैं, हवा लगेंगे, आपकी ठंडा
महसूस होंगे। और कारण क्या है, किस लिए राज ओरियन से आपको राज हिम्मत आना हुआ? हे समाज देवता, निराया में यही है, जिस तरह शकुनि ने झंझट बार बार महाभारत में लगा दिया था, उसी ढंग से मैंने लगाते चलेंगे। महाश्री नाथी बताइए, आपने किला ओरियन से आगे किला हिरबत राया सियानंद साहबा की दरबार इतने हम तरवी में आया है, आने का कारण क्या है? राम राम राम। अरे नाथी कहो, सुनो, इतना दूरी से मैंने अच्छा पैदल आते आते तो थक गया, हाँ हाँ, लेकिन पैर दुखता है। अच्छा, एक यहाँ आने का मकसद यही है। क्या है? एक समय की बात था, मैं पहल जाऊ में नाश्री, ठीक है, मैं ही आता हूँ, पहल जातो पहले। सुनो नाथी, मैं कह रहा हूँ, एक समय की बात है कि तुम्हारे पिता शादी करने के लिए राज महोबा को गया, वो समय वही मुदला तुम्हे पिता को सर को काट लिया, बहुत नतीजा किया, यही मौका है नाती, उदला आने वाला है राज हिरमत में, यही मौका है तुम्हें दोनों भाई को बदला सधाने के लिए। सुन लिया ना नाना जी, आप झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ, इसलिए आप झूठ बोलते हैं, हमारे रुदन बाबा ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पिताजी को गर्दन काट दे। क्या ये सच बात है? मैं सही सलामत बोल रहा हूँ, दक्षिण में बोल रहा हूँ कि नाती, ये सही सलामत बात बोल रहा हूँ, इसका इतना प्रश हो रहा, लेकिन आज तक हमें माँ हम दोनों भाई को नहीं बता सका, नहीं कह सका कि बेटा सेवा श्यामन तुम्हारे पिताजी को साथ हमारे भाई उदल बहुत विश्वासघात किया है। मामा उदयचंद हमारे पिताजी को सर काट लिया, आप जा सकते हैं, हम इसका उजरा जरूर दोनों भाई बिचार लेंगे। कहता हूँ गलत इसमें कोई नहीं है, चलता है महिला ये वो हमारे पिताजी को मारा न
भाई राज मोहब्बा से राज पंठन को जाने वाला है। मामा जी अपने हाथ से जरूर आएंगे अच्छा की टोली लेने। हाँ चलिए इंतजार करेंगे, उदय चल मामा को प्रतीक्षा करेंगे। नहीं चला जाए, चलिए बंगला बैठते हैं और प्रतीक्षा करेंगे मामा उदय चल को। नहीं भेज सकता हूं।
तो क्या मैं आपको अपने उदयचंद मामा समझूं? ठीक है, तुम मामा नहीं समझो, लेकिन मैं तो महाराज समझता हूँ। तो अपनी माँ के डोला सजाओ, मेरे साथ उगा लो। बस मेरा अदालत में एक ही जमानत है, जो मैं कह दिया वो कह दिया। जाओ, जाकर हमारे उदयचंद मामा को कह देना कि महाराज आपकी भंजा सहवासी आनंद हमें हाथ से डोली इनकार कर दिया है, कि आप जाकर अपने बहन की डोली ले। अगर डोली देने से इनकार किया, समझ लो क्या है, अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या होगा? चले जाओ, जूठा खाते हो, चौकट पर टिप्पणी करते हो, कुत्ता की तरह रहते हो, और तुम कुत्ता बनकर हमारे साथ चलाओ। जब आप गाली करता है, अगर गोली देने से इनकार किया तो हमसे तुम झूठ करो। अभी मैं पूछाऊ तो चाहो तो तुम्हारे सास को तहस नहस कर। भाई साहबान भैया सियालन सेनापति ने बोला था युद्ध करने के लिए, युद्ध करने की हाल जानते हो? हाँ कहो। दोनों भाई सोच लो, क्या अगर तू अपनी माँ का डोली नहीं सजाया, अच्छा मैं नहीं लेकर के गया, हाँ हाँ मेरा भी नाम रूपन खावनी तुम्हारी एक घंटा
ये बता तुम खंजर लड़ोगे या मैं युद्ध लड़ोगे? तुम जो चाहो, मन युद्ध करोगे तुम्हार युद्ध करेंगे, लोहा लड़ेगा तो लोहा लड़ेंगे, खंजर लड़ेगा तो खंजर। चलो तो क्षत्रियो की धर्म होता है। रूपन का रूपन हूँ तो मैं युद्ध हो जाए। उदयचंद बाबा प्रतीक्षा करते करते वो भी चलाएगा, यहाँ उनसे भी अपना पंजा में फंसा लेंगे। बर्बाद मत करो, मैं टाइम के भाई देता हूँ। चलो आ जाओ भैया। मैं जा रहा हूं भाई साहब।